नमस्कार, जय हिंद सभी को। मेरा स्वागत पुनः मेरे चैनल पर आप सभी का है स्वागत। आज का वीडियो वही विद्यार्थी स्टूडेंट स्कॉलर रिसर्च स्कॉलर ही देखें जिसका संबंध इस विषय से है, उसके अलावा कोई ना देखे। अपना समय और इंटरनेट का डेटा कहीं और लगाइएगा। जो भी ऐसे विद्यार्थी शोधार्थी हैं जिन्होंने गांधी फेलोशिप के लिए अप्लाई किया था, उसका एंट्रेंस इसका इंटरव्यू के बाद उनका रिजल्ट आ चुका है, वे उस वीडियो को देखें। सिलेक्शन होने के बाद कि आपको गांधी फेलोशिप ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वे भी इस वीडियो को देखें। गांधी फेलोशिप करने के बाद आपको क्या क्या लाभ होगा, वह विद्यार्थी भी इसको देखें। गांधी फेलोशिप यदि बीच में छोड़ कर जाते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, वे भी इसको देखें। जिस किसी को ऐसा लगता है कि गांधी फेलोशिप करने के बाद कोई एक्स्ट्रा या अतिरिक्त लाभ ज़्यादा नहीं होगा, वे भी इसको देखें। और जो ऐसे विद्यार्थी जिनका चयन हो चुका है लेकिन अब वह भ्रम में है, कन्फ्यूज़न में है कि गांधी फेलोशिप ज्वाइन करें या ना करें, वे भी इसको देखें। जो गांधी फेलोशिप कर चुके हैं वे तो इसको ज़रूर देखें, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत चीज़ आपको पता लगेंगी। और पूर्व के वीडियो की ही तरह ये वीडियो भी लंबा होगा। अगर आपके पास समय है तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अन्यथा इस इंट्रोडक्शन के बाद आप वीडियो छोड़कर जा सकते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि सूचनाएँ नहीं देता मैं, इन्फॉर्मेशन नहीं देता, सूचनाएँ जो मेरे पास हैं उसको इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज के साथ कैसे आपको दी जा सके, उसके माध्यम से मैं वीडियो बनाता हूँ। बहुत से कमेंट भी आते हैं कि आपके वीडियो बहुत लंबे होते हैं। मैंने कहा ना कि मैं फास्ट फॉरवर्ड में न्यूज़ नहीं पढ़ता हूँ कि कुछ सेकंड में आपको समस्या के को समझा दिया जाए, समस्या का समाधान या सलूशन दे दिया जाए, और उसके बावजूद अगर समाधान आपको पसंद नहीं आएगा तो आप सवालों की छड़ी लगा देते हैं। इसीलिए डिटेल में वीडियो को समझिएगा, सुनिएगा। और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है या आपको उलझन रहती है, मन में कन्फ्यूज़न रहता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके सवाल छोड़ दीजिएगा। लाइक डिसलाइक अपनी इच्छा के अनुसार कीजिएगा। वीडियो करते हैं शुरू। 2 मिनट हो चुके हैं, ऑडियंस आ चुकी है। 31 मार्च 2021 लास्ट डेट थी गांधी फेलोशिप के लिए अप्लाई करने की। आप अधिकतर लोगों ने करा भी और आप सबका उसका लीडरशिप का इंटरव्यू हो चुका है, ठीक है। इंटरव्यू हो गया बहुत बच्चों का और बहुत बच्चों का ज्वाइनिंग का मेल भी आ चुका है, ठीक है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब कमेंट बॉक्स में या फ़ोन पर मुझे कॉल आते हैं कि गांधी फेलोशिप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उन बच्चों के लिए पहला सवाल मेरा यह है, क्या आपने गांधी फेलोशिप का फॉर्म भरने से पहले ये विचार नहीं किया था क्या कि यदि मेरा सिलेक्शन होगा तो मुझे करना है या नहीं करना है, पहली चीज। और आपने फॉर्म भरने से पहले क्या गांधी फेलोशिप की जो वेबसाइट है उस पर जाकर विजिट नहीं किया था कि गांधी फेलोशिप किस प्रकार का कार्य कराती है, कैसे काम करवाती है, कितने समय का है, फुल टाइम है, पार्ट टाइम, रेजिडेंशियल है या स्टेट वे सेंटर, आपने ये सब पता नहीं किया था। यदि नहीं पता किया था तो ये आपकी भूल है, यूट्यूबर की नहीं है, गांधी फेलोशिप संस्थान की रही है। एक सवाल और आपके मन में उलझन है कि हम बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं, क्या हम बीए हम छोड़कर गांधी फेलोशिप करें या एमए को ड्रॉप करके गांधी फेलोशिप करें। इसका भी जवाब मेरे वीडियो में आपको दिया गया था कि ये फुल टाइम कोर्स है, इस फेलोशिप के दौरान आप कोई अन्य कोर्स नहीं कर सकते हैं। यदि किसी कोर्स के अंतिम वर्ष में हैं तो हाँ ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप उस कोर्स को ख़त्म करिए जुलाई अगस्त में और आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सवाल कि जो लोग बच्चे पूछते हैं कि लाभ क्या होगा, हमें क्या फ़ायदा होगा, 3 चीज़ें विशेष रूप से समझ लीजिए आप। कुछ लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल एंड मैनेजमेंट, नेतृत्व क्षमता, किसी चीज़ को मैनेज करना, और मैनेज करने के साथ यानी कि लीडरशिप के साथ साथ मैनेज करने के साथ साथ आपके अंदर एक ऐसी स्किल को डेवलप किया जाएगा, और साथ साथ यदि आप में वह स्किल पहले से मौजूद है तो उसको पिंच करके यानी कि उसको और उसको साहित्य की भाषा में बोलते हैं उसको उत्जीवित करके आपके सम्मुख लाया जाएगा, और एक निखार के रूप में, वो जैसे कहते हैं ना कि जितना चीज़ों को साफ करते हैं तो उसका जो मुलम्मा है वो हट जाता है और सोने की चमक सामने आती है। यदि आप में वह स्किल है, वह योग्यताएं हैं, तो उसको निखारा जाता है, और निखारने के कई माध्यम है। फेलोशिप प्रोग्राम में ट्रेनिंग प्रोग्राम है, वर्कशॉप प्रोग्राम है, और आपको कई स्टेट्स में या कई संस्थाओं में कुछ समय के लिए विजिट के लिए भेजा जाता है। वह इसीलिए भेजा जाएगा कि आप जो भी सीखेंगे 6 से 8 महीनों के अंतराल में, और फिर आपकी जो वर्कशॉप होगी, इंटर्नशिप का ट्रेनिंग होगा, उसमें यह परखा जाएगा कि संस्थान आपको जो सिखा रहा है वह सही दिशा में है या नहीं, और आप क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, ठीक है। अब कुछ सवाल आपके ये भी आए कि
इसको करने से लाभ क्या होगा? लाभ का तो बात यह है, आप बीए कर लीजिए या पीजी कर लीजिए, एमफिल कर लीजिए, पीएचडी कर लीजिए, और कोई आपसे सवाल करे कि पीएचडी करने के बाद लाभ क्या होगा, तो पीएचडी करने के वाले स्टूडेंट के पास भी ये जवाब नहीं होगा कि लाभ क्या होगा। क्या उसको नौकरी मिलेगी? कुछ नहीं पता। क्या उसको कि समाज में सम्मान होगा? नहीं पता। क्या किसी कंपनी या संस्थान को वह ज्वाइन कर पाएगा पीएचडी करने के बाद? नहीं पता। ये व्यक्ति की निजी योग्यताएं और क्षमताओं पर निर्भर करता है, इसका डिग्री से कोई संबंध नहीं है। आपके सामने बहुत एग्जाम्पल है, टाटा भी है, धीरूभाई अंबानी भी है, और बहुत बड़े बड़े उद्योग भी हैं जो कभी स्कूल्स तक नहीं गए हैं, कॉलेज तो छोड़ दीजिए, आज बहुत बड़े मुकाम पर हैं। इसीलिए आपकी डिग्री से ज़्यादा, आपकी डिग्री से प्राप्त नॉलेज से ज़्यादा आपका व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा मायने रखता है। इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, डिग्री ये जरूर करती है कि आपको एक कदम आगे लेकर जाती है, लेकिन डिग्री ही सब कुछ होती है ऐसा बिल्कुल नहीं है। और यदि आप ये मान कर बैठे हैं, सोच कर बैठे हैं, तो आप बहुत बड़े भ्रम में जी रहे हैं। ठीक है, एक और सवाल आता है, और सवाल किया लोगों ने जब ईमेल के माध्यम से कि हमसे जवाब मांगा गया है कि हम इसको ज्वाइन करें ना करें, कब तक करें, 7 से 10 दिन में जिनका सिलेक्शन हुआ उन सभी को मेल आया होगा। कुछ बच्चों ने मुझे मेल भी फॉरवर्ड किए, फ़ोन पर भी बात हुई, और कुछ बच्चों ने मुझे अपने पेरेंट्स से भी बात करवाई। तो उनसे मेरा यही कहना है कि आपके बच्चे का सिलेक्शन बहुत कॉम्पिटिटिव लोगों को बीट करने के बाद हुआ, यानी कि बहुत योग्यतम बच्चों से एक कदम आगे थे आपके बच्चे, 19 नहीं 21 नहीं 30 से 35 की रेंज में थे तब आपके बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनसे भी यही कहूँगा, केवल 2% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इस साल 2021-22 से 23 के सेशन में। याद रखिएगा, इसको ऐसे समझिए कि आपकी डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए दिल्ली है, दिल्ली से यदि 1000 एप्लीकेशन आया है तो मान कर चलिए कि उस 1000 में से केवल और केवल 10 एप्लीकेशन ही सिलेक्ट हुए हैं फाइनली, यानी कि 2% बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तब आपको ये तय करना है उन 2% बच्चों को कि आपने जो इतनी कठिन परिस्थितियों में कोविड की वजह से और एकेडमिक सेशन पूरा फेल होने की वजह से ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से जो तकलीफें आपने उठाई, उन सभी के बावजूद आपका सिलेक्शन होना, इस मुकाम तक पहुँचना, ये आपके लिए आपकी ज़िंदगी का हो सकता है किसी का पहला सबसे बड़ा अचीवमेंट हो, या हो सकता है आपके लिए अचंभे के समान हो, क्योंकि आपने अपने आप को प्रूफ किया है उन हजारों लोगों में से कि आप बेस्ट नहीं, बेटर नहीं, बल्कि सर्वश्रेष्ठ हैं और आपका चयन हुआ है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। और एक कॉमन सवाल कि इसको करने के लाभ क्या होंगे, डिटेल में बताऊंगा, सुन लीजिए कम शब्दों में। आप ह्यूमन राइट्स, लॉ, मैनेजमेंट, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज के जो भी एग्ज़ाम होते हैं यूपीएससी के, और साथ साथ एनजीओ मैनेजमेंट, किसी स्कूल कॉलेज में आप पढ़ाना चाहते हैं या पढ़ाना चाहती हैं, कोई एनजीओ में काम करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, किसी मीडिया चैनल, मीडिया लॉबी से जुड़ना चाहते हैं, किसी प्रकार के आप बिजनेस से जुड़ना चाहते हैं, तो इन सभी चीज़ों, इन सभी संस्थाओं में, जॉब की साइट्स में दो चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। एक, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, यानी संवाद क्षमताएं कैसी हैं, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, किसी भी समस्या का सलूशन सामने वाले समाज, सामने वाले संस्थान, सामने वाले व्यक्ति को आप किस तरीके से दे सकते हैं, देने की क्षमताएं हैं, क्योंकि समाज में बहुत से लोग निराश बैठे हैं, बहुत सी नहीं सैकड़ों की तादाद में समस्याएं हैं, आप किस समस्या को कैसे डील करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, और टैकल करने के साथ साथ जनता को अपनी बात से कैसे आप कन्वेंस कर सकते हैं, इस बात की क्षमताओं का डेवलपमेंट आपको इस फेलोशिप प्रोग्राम से प्राप्त होगा, इस बात को ध्यान रखिए। दूसरी चीज और बहुत बड़ी चीज है, वह है नेतृत्व की क्षमता, इसे बोलते हैं लीडरशिप। इसीलिए इंटरव्यू का राउंड का नाम भी लीडरशिप इंटरव्यू रखा गया है, लीडरशिप प्रोग्राम, इस बात का ध्यान रखिए। और गांधी फेलोशिप में गांधी जुड़ा हुआ है, इस बात को समझिए, और गांधी फेलोशिप में गांधी जुड़ा हुआ है, ये थोड़ा बहुत गांधी को आप पढ़े हैं, गांधी के 21 सूत्री रचनात्मक कार्यक्रमों को पढ़े हैं, यदि आप 21 प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को पढ़े हैं 1934 से लेकर 1944 के बीच में, जो गांधी ने महाराष्ट्र के मूल रूप से सेवाग्राम वर्धा में प्रारंभ किए थे, यदि आप उसको थोड़ा समझते हैं तब आप समझेंगे कि नेतृत्व की क्षमता का कितना बड़ा यूज है समाज में, क्योंकि आपके पीछे लोग दो ही कारणों से चलते हैं, आपका
राइटिंग स्किल कितना बेटर है या आपकी बोलने की क्षमताएं स्पीकिंग स्किल कितना बेटर है। तो यह डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह फेलोशिप आप में स्पीकिंग की क्षमताएं और साथ साथ लीडरशिप की क्षमताएं दोनों ही डेवलप करती है। यदि आप मैनेजमेंट के क्षेत्र में जा रहे हैं, बिजनेस के क्षेत्र में जा रहे हैं या किसी प्रकार के एनजीओ के सेक्टर में जाना चाहते हैं, लॉ की फील्ड में जाना चाहते हैं, सिविल्स की फील्ड में जाना चाहते हैं, टीचिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, लिटरेचर राइटिंग की फील्ड में जाना चाहते हैं, यदि आप बॉलीवुड में भी जो काम होता है वह इन सभी क्षेत्रों में क्षमताएँ होती हैं लीडरशिप की, कि आप अपने साथ कितने ज़्यादा लोगों को साथ लेकर चल सकते हैं और कितने लंबे समय तक लेकर चल सकते हैं, क्योंकि आप एक बार अच्छा भाषण दे सकते हैं, लोग उससे मोहित भी हो सकते हैं, आप एक बार किसी व्यक्ति को कंसल्ट कर सकते हैं अपने दोस्ती के नाते, अपने रिलेशन के नाते, अपने पैसों के नाते, अपने पद के नाते, लेकिन यदि उसी व्यक्ति को दोबारा आपको कंसल्ट करना है, अपनी बातों के साथ रखना है, तो उसके लिए आपके पास वह क्षमताएं, वह स्किल, वह डेवलपमेंट की पॉइंट्स ऑफ व्यू के नजरिए का दृष्टिकोण होना चाहिए कि व्यक्ति का विकास किस दृष्टिकोण से आप करना चाहते हैं और किस प्रकार कर सकते हैं। इन सभी स्किल का डेवलपमेंट इस गांधी फेलोशिप प्रोग्राम में 2 साल में आपके अंदर किया जाएगा। तो मेरा मानना, यदि मेरी राय पूछेंगे आप, तो मैं तो यही कहूंगा कि जिनका भी सिलेक्शन हुआ है 100% ज्वाइन करिए। जो मेल आपको आया है उसका जवाब विद इन 7 to 10 days में आपको देना है। यदि आपकी एक छोटी सी गलती है तो आपको हो सकता है इससे निलंबित कर दिया जाए, सिलेक्शन तो होगा नहीं। अगले साल जब फॉर्म आएगा, अगले साल के 21 में ही फॉर्म आएगा सितंबर के बाद में, तब आप हो सकता है अप्लाई तो कर सकते हैं फॉर्म के लिए, लेकिन हो सकता है लीडरशिप प्रोग्राम के लिए आपका चयन भी ना होगा, क्योंकि आपका डेटा, आपका रिकॉर्ड वहां दर्ज है। वो देखेंगे कि इस बच्चे का सिलेक्शन 21 के सत्र में, 21 और 23 में हुआ था, लेकिन बच्चे ने ज्वाइनिंग नहीं ली, तो नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर भी होगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, और आप उन 2% बच्चों में हैं जो समाज को एक नई दिशा देने का काम करें, क्योंकि सरकार ने और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने सोशल वर्क हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, मैनेजमेंट हो, और साथ साथ ग्रामीण, जिसे बोलते हैं रूरल डेवलपमेंट, इन सभी चीज़ों से हाथ खींच लिया है। उनके दिमाग में नहीं है, उनके बस में नहीं है, उनकी क्षमताओं में नहीं है कि इन 4-5 सेक्टरों का डेवलपमेंट कैसे किया जाए, किस तरीके से किया जाए, किन लोगों के सहयोग से किया जाए और कितने समय में किया जाए। जब सरकारों ने इस काम को छोड़ दिया, तब ये डेवलपमेंट के प्रोग्राम चालू किए गए, चाहे वह एनजीओ के माध्यम से हो, किसी फाउंडेशन के माध्यम से हो, किसी फेलोशिप के माध्यम से हो। और इन सब जगहों में, फेलोशिप में, फाउंडेशन में, एनजीओज में यंग स्टूडेंट्स की ज़रूरत है, जो लगभग 20 से लेकर 35 के एज में है। इसीलिए गांधी फेलोशिप में आप 26 वर्ष के युवाओं को शामिल किया गया है, क्योंकि आपका जो जोश है, आपकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है, आपका जो मॉडर्नाइजेशन वर्ल्ड के साथ 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 कदम मिलाकर चलना है, और वह भी टेक्नोलॉजी के साथ चलना है, इसीलिए यंग जनरेशन को मौका दिया जा रहा है इस फेलोशिप प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। आप में किन किन स्किल का डेवलपमेंट करना है, किस प्रकार से करना है, संस्थान और फेलोशिप फाउंडेशन आपको केवल गाइडेंस देगा। और यदि आपको सही समय पर, सही व्यक्ति की और सही परिस्थितियों में सलाह, मशवरा, गाइडेंस मिलती है, तो अपने भविष्य को आप तो बेहतर करते ही हैं, आपके परिवार का भविष्य उज्ज्वल होता है, आपके कंट्री का भविष्य उज्ज्वल होता है, क्योंकि सही सलाह, सही गाइडेंस, सही मार्गदर्शन, सही व्यक्ति, सही संस्था, सही समय पर मिले तो आपका पॉजिटिव, सकारात्मक ही विकास नहीं होगा, और विकास कभी इंडिविजुअल नहीं होता, जो महात्मा गांधी ने कहा था। और इसीलिए गांधी फेलोशिप को समझने का मतलब, आप गांधी को समझेंगे, डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट होता है, कल्चरल डेवलपमेंट होता है, स्किल डेवलपमेंट होता है, कम्युनिटी डेवलपमेंट होता है, ग्रामीण डेवलपमेंट होता है, एजुकेशनल डेवलपमेंट होता है, और मोस्ट ऑफ द डैम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड वुमेन्स डेवलपमेंट होता है। इन सभी डेवलपमेंट के क्षेत्रों में यदि आप अपना कोई योगदान देना चाहते हैं, और यदि इस प्रकार की कोई स्किल, कोई एबिलिटी, कोई आप में विशेष योग्यताएं हैं, तभी आपका चयन हुआ है इस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए। इस बात को समझिए, तो अपनी योग्यताओं को, संस्थान ने तो आपकी योग्यताओं को पहचान लिया, आपको मौका दिया गया है, अब आप उनके फैसले पर 100% खरे उतरते हैं या नहीं, इसका फैसला आप सभी सिलेक्टेड चयनित उम्मीदवारों को करना है। वीडियो हो गया समाप्त। अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि क्या आपने इसको किया है,
जी नहीं, मैंने इसको ज्वाइन तो नहीं किया, लेकिन मेरे बहुत से मित्र इसको कर रहे हैं। कुछ सीनियर भी हैं, कुछ जूनियर भी हैं, कुछ अच्छे पोस्ट पे भी हैं, काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, 5-6 वर्षों से, और मेरी एज है ज़्यादा, मैं अप्लाई नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये था मेरे बारे में जो भी मैंने आपको सूचनाएं दी 10 से 15 मिनट में। कोई सूचनाएं पसंद भी नहीं आई होगी बहुत से लोगों को, बहुत से लोगों को कुछ अटपटा भी लगा होगा, कुछ लोगों को समझ में नहीं आई होंगी, क्योंकि हम सभी की समझने की एक विशेष समझ होती है, समझने का एक विशेष सीमाएं होती हैं। क्योंकि हो सकता है वीडियो देखने वाला कोई यूजी का स्टूडेंट हो, कोई ग्रामीण वर्ग का स्टूडेंट हो, किसी ने फर्स्ट टाइम ही इस फेलोशिप के बारे में सुना हो, तो यह कोई आपका दोष नहीं है ना मेरा दोष है, समय पर और परिस्थितियों के अनुसार हम चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, लेकिन आप अपने आप को ना समझ मत समझिए, क्योंकि आपका सिलेक्शन हुआ है और कई अच्छे अच्छे लोगों को पीछे छोड़कर आप आगे आए हैं, इसीलिए इस फेलोशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, लाभ हानि भविष्य पर छोड़ दीजिए। क्योंकि जब हम 360 दिन तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम की, परीक्षा की, तो अंत में उन 5 दिनों में आपकी परीक्षाओं में आप 100% सफल होते हैं, क्योंकि 360 दिन की तैयारी ही आपको आने वाले भविष्य में सफलताएं देती हैं। ऐसा नहीं है कि 1 साल की तैयारी 1 महीने में कर लेंगे, नंबर तो आ जाएंगे आपके, नंबर से ज़्यादा महत्वपूर्ण है नॉलेज। इन्फॉर्मेशन तो लेना अलग चीज़ है, 1 महीने में इन्फॉर्मेशन तो ले सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए 360 दिन की तैयारी जरूरी होती है। 5 दिन मैं इसीलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि एग्जाम भी तो देंगे आप, क्योंकि परीक्षाएं ही आपकी योग्यताओं को सकारात्मक रूप में प्रकट करने का, प्रेजेंट करने का, प्रेजेंटेशन करने का मौका होती है। वैसे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं परीक्षा प्रणाली से, वो तो 1860 का नियम है, नॉर्म्स है, इसीलिए भारत में परीक्षाएं प्रारंभ होती हैं, वे अलग चीज़ है, लेकिन 360 दिन में जो सीखते हैं वो कितना सही कितना गलत है उसका फैसला भविष्य पे छोड़ दीजिए। आपको मौका मिला है तो ज्वाइन करिए। एक वीडियो और आएगा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को, एक शायद 3 वीडियो आएंगे, उसको लेकर भी कुछ नए टर्म्स आए हैं, नई वैकेंसीज आई हैं, नए भ्रम आए हैं लोगों में, और 50 से अधिक सवाल आए हैं, 300 से ज़्यादा मेल आए हैं मेरी ईमेल आईडी पर कल जब मैंने चेक किया। ठीक है, उनके भी समाधान करेंगे, उस पर वीडियो मिलेंगे, और ऐसे लंबे ही वीडियो मिलेंगे। यदि आप समाचार के दृष्टिकोण से या और यूट्यूबर की तरह आएंगे कि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके आपको बताऊंगा, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझाऊंगा, वो मुझसे नहीं होगा। मैं आपको चीज़ों को इन्फॉर्मेशन के साथ साथ नॉलेज के रूप में देना चाहता हूँ, और मैं हिंदी माध्यम से ही बातों को रखता हूँ। इंग्लिश आती है थोड़ी बहुत, समझ लेता हूँ, लेकिन हिंदी माध्यम को जो बेल्ट है इस देश में, जो अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करता है, कमज़ोर महसूस करता है, टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है उसके पास, संसाधन नहीं है उसके पास, शहरों की यूनिवर्सिटी से कटा हुआ है, तो ऐसे विद्यार्थियों शोधार्थियों के लिए ही मेरा ये चैनल है सबसे ज़्यादा। और आप निराश मत होइए, मैं हूँ ना, ऐसा समझिए, अपने सवाल समस्याएं मुझसे शेयर कर सकते हैं। यदि समस्याओं को शेयर करने में कमेंट बॉक्स में दिक्कत होती है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, ईमेल आईडी है, उससे संपर्क कर सकते हैं, और फ़ोन नंबर का जो मैंने टाइमिंग दिया हुआ है उस पर कॉल करेंगे तो मेरे लिए बेटर रहेगा आपको जवाब देना, और ईमेल आप कभी भी कर सकते हैं। सभी समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम।